जैसे मैंने कहा मेरे लिए जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा कोई और कुछ कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है ये हमें कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं रही बात विपक्ष की मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शन भी होते हैं पोलिटिकल कंपल्शन होते हैं दूसरे कंपल्शन होते हैं तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा बस मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं किसी को हम रोकने वाले नहीं है दूसरी बात विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती है देखिये नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं मायावती जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं मैं जानता हूं नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं तो रिश्ता तो है उनके साथ जिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी